अस्सलामु अलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशन। आज जब हम बात करेंगे तो हम हाथ और पांव जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हाथ और पांव जो हैं वो भी आपकी स्किन, जो फेस की स्किन होती है या आपके बाल होते हैं, उसी तरह से वेदर के हिसाब से चेंजेस भी शो करते हैं, ख़राब भी होते हैं और उनको केयर भी चाहिए होती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो आपके जो पांव और हाथ हैं वो आपको ज़्यादा टैन फील होते हैं, आपको लगता है कि ये ज़्यादा इनका कलर जो है या इनकी रंगत ख़राब होती जा रही है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं या जिनका काम बाहर है उनके भी उनको ख़राब लगते हैं, और जो घर में होते हैं और काम करते हैं उनके भी उनको अपने हाथ और पांव जो हैं वो ख़राब लगते हैं, कलर वाइज कॉम्प्लेक्शन वाइज अच्छे नहीं लगते। फिर एक और चीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा दफ़ा हाथ धो रहे होते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, बुरा नहीं लगता, तो ज़्यादा हाथ धुलते हैं, ज़्यादा पाँव धुलते हैं, वुज़ू हो रहा होता है तो हम इतना मॉइस्चराइज़ नहीं करते और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। जो गर्म हवा होती है वो भी आपकी स्किन को ड्राई करती है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं जैसे आपके पाँव हैं या आपके हाथ हैं, ये फिर आपको पहले से ज़्यादा ड्राई लगेंगे, कंपैरेटिवली इवन सर्दियों से भी ज़्यादा ड्राई लग सकते हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक तो ये कि जो सन ब्लॉक्स होते हैं जो हम आपको कहते हैं कि आप लगाएं, अगर आपका बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा है तो फिर आपने सन ब्लॉक लगाना है या मॉइस्चराइज करके सन ब्लॉक लगा के एंड देन यू कैन गो आउट, फिर आप बाहर जा रहे हैं। और अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है बाहर का तो फिर आप सन ब्लॉक नहीं भी लगाते तो खाली मॉइस्चराइज ज़रूर करेंगे। प्लस रात को यूज़ करने वाली ऐसी क्रीम्स या ऐसी मोडलिटीज़ होती हैं स्पेसिफिकली फॉर योर हैंड्स एंड फीट जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो डेली बेसिस पर लगाता रहता है तो उससे उसके हाथ पाँव ठीक रहते हैं, अलॉन्ग विद दी मॉइस्चराइजर इन द मॉर्निंग। या फिर अगर ज़रूरत हो तो इस किस्म के लोशंस अवेलेबल हैं जिसमें मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक और कलर को बेहतर करने वाले इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, तो आप एक ही चीज़ मॉर्निंग में लगाते हैं जस्ट लाइक अ सिंपल लोशन, और वो आपके दो तीन इश्यूज जो है वो उसको कवर करता है। फिर हम आ जाते हैं कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं घर में लेकिन आपके हाथ पांव ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें यूज़ करने के बावजूद इतने अच्छे या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, दैट इज़ द टाइम जिसमें आप हमारे पास आएंगे। जब आप हमारे पास आएंगे तो हमारे पास आपके लिए क्या है, इसमें वाइटनिंग पील्स जो हैं वो दी जाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है हाथों की और पाँव की, या फिर डार्क नकल्स होते हैं, नकल्स ये जो आपके ये वाले एरियाज़ हैं ये डार्क होते हैं हाथ के भी पाँव के भी। अब बाकी हाथ का कलर और है साथ में डार्क नकल्स हैं तो हम खाली नकल्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि नकल्स ऐसी जगह है जहाँ पे पिगमेंट भी पड़ा होता है और वहाँ पे स्किन भी थिक होती है। जब हम वो ट्रीटमेंट कर देंगे तो जो आप घर में चीज़ें लगाते हैं वो भी अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी और रिज़ल्ट शो करना शुरू कर देंगी, और उसके अलावा उसका अपना रिज़ल्ट जो है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये पहले से बेहतर होते जा रहे हैं और पहले से अच्छे फील हो रहे हैं। उसी तरह से अगर आपके नकल्स डार्क नहीं हैं लेकिन आपके हाथ पांव वैसे बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो उसमें फिर हम वाइटनिंग पील्स यूज़ करते हैं। वाइटनिंग पील फिर आप पूरे के ऊपर करेंगे, इसमें ये होता है कि इसमें आपने 2 या 3 सेशंस लेने होते हैं जिसमें आपके डार्क नकल्स और आपकी बाकी स्किन जो है वो इवन हो जाती है, फिर आप उसको घर में आसानी से मेनटेन कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर एक्सपोज रहती हैं, हाथ पाँव आपकी नेक आपकी आपका फेस, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो मौसम के असरात होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे। जो आपकी कवर्ड स्किन होती है वो इस तरह से आपको शो नहीं करेगी चेंजेस, या वेदर से रिलेटेड मौसम से रिलेटेड चेंजेस शो नहीं करेगी। हर चीज़ केयर मांगती है, ख्याल मांगती है, जिस चीज़ का आप ख्याल नहीं रखेंगे वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, वो भी फिर आपका ख्याल नहीं रखेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने हाथों पाँव का भी उसी तरह ख्याल रखें, और फिर ये ना हो कि वो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं और उसके बाद आप हमारे पास आ रहे हैं कि अब इसका क्या करना है। इसके अलावा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हाथों में जो है वो झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है हाथों की, उसमें फिर हम मीज़ोथेरेपी करते हैं। मीज़ोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन होता है जिसको हम लगाते हैं, उसकी वजह से स्किन जो है वो वाटर होल्ड करना शुरू हो जाती है बेहतर तरीके से, और उससे फिर आपको लगेगा कि आपकी जो छोटी छोटी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं हाथों की स्किन के ऊपर वो भी बेहतर हो गई हैं, और क्योंकि आपकी स्किन बेहतर होगी तो आपको कॉम्प्लेक्शन वाइज भी पहले से ज़्यादा बेहतर फील होगी। बाकी जो मेंटेनेंस होती है वो आप घर में लगाने वाली चीज़ों से इस्तेमाल करके सही रख सकते हैं। एक और चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है कि हम हाथ किस चीज़ से धोते हैं। अगर आपके हाथ धोने वाली चीज़ जो है वो एंटीबैक्टीरियल है तो भी आपके हाथ ज़्यादा ड्राई होंगे, बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र यूज़
यूज़ करते हैं, यूजुअली इन सब में अल्कोहल्स होती हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगेंगे हाथ। प्लस ये होता है कि एज के साथ भी स्किन ड्राई हो रही होती है, तो आपको स्पेसिफिक चीज़ें दी जाती हैं जो कि मॉइस्चर या हाइड्रेशन को रिटेन रखने वाली होती हैं। फिर आपने वो मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं, नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स जो हैं उस पर काम नहीं करते। और हम आपको हाथ धोने के लिए भी डिफरेंट तरह के बार्स दे देते हैं जो कि मॉइस्चर को लूज़ नहीं होने देते स्किन से, लेकिन आप हाथ धो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर आपकी स्किन जो है वो इतनी ड्राई होती ही नहीं है। जब वो इतनी ड्राई नहीं होती तो वो कम क्रिंकली या कम रिंकल्स वाली शो होगी। प्लस ये होगा कि वो ज़्यादा देर तक आपकी आपका मॉइस्चर जो है वो रिटेन रख सकती है।